तो डी आर दिस इज अबाउट एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि सर एस्पेक्ट रेशियो को डिटेल में बताओ, कि इसे प्रूफ करो कि अगर हमारा एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज होगा तो वहाँ पर हमारा फ्रैक्शन लॉस किस तरह इंक्रीज होगा और हमारी नॉइस किस तरह जनरेट होगी एंड हमारा जो कॉस्ट है वो किस तरह इंक्रीज हो जाएगी अगर हमारा एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज होता है। तो जैसे कि हमारी जो सीट होती है जीआई की, वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी और हमारा पावर कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आज प्रूफ करता हूँ कि अगर हमारा एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज होता है तो हमारा जो है कॉस्ट किस तरह इंक्रीज होती है और वो नंबर ऑफ सीट जो होती है वो किस तरह इंक्रीज होती है। तो मैं अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ तो इट इज़ रेशियो बिटवीन मैक्सिमम ऑफ डक्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ डक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक डक्ट है, इसकी विड्थ है 100 एंड हाइट है 50। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम साइज एंड मिनिमम साइज 100:50, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा 2:1। अगर मैं मैक्सिमम एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ, जो थ्योरेटिकल होता है, जो एसरे स्टैंडर्ड है, 9:1 होता है, बट ये थ्योरेटिकल है, हम इसे यूज़ नहीं करते। बट इट इज़ मैक्सिमम एस्पेक्ट रेशियो इज़ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो होता है वो 4:1 होता है, लेकिन 4:1 ही बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, ज़्यादातर हम 3:1 तक हम जाते हैं। तो अगर अभी मैं बताता हूँ कि हमारा डक्ट साइज का जो रेशियो 4:1 होता है, 9:1 होता है, तो हमारा जो है सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी कॉस्ट किस तरह इंक्रीज़ होती है और हमारा जो है नंबर ऑफ सीट किस तरह इंक्रीज़ होती है, तो मैं ये अभी प्रूफ करके आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरी मशीन है, तो मशीन की जो कैपेसिटी है वो 10,000 CFM है और मुझे 100 FPM पे उसे डिज़ाइन करना है। तो जब मैं अपना मैक पे डक्ट साइज से इसका डक्ट साइज निकालता हूँ, तो इसका सर्कुलर डक्ट साइज आता है 14.6 एंड रेक्टेंगुलर डक्ट का जो साइज होता है वो 16:16 आता है। बट क्या होता है कि हाइट जो है, हाइट रिट्रैक्शन होता है, यानी कि हाइट का प्रतिमान होता है, तो 24 हाइट का प्रतिमान है। तो मुझे डक्ट साइज कितना मेरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, 54 × 24 जो है मेरा डक्ट साइज रहेगा, मतलब विड्थ इंटू हाइट। तो मैं अभी एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ सीट, अगर मेरी नंबर ऑफ सीट निकालने हैं कि मेरी जो है डक्ट बनाने में कितनी नंबर ऑफ सीट लगेगी, तो उसका फार्मूला होता है डेप्लॉयमेंट एरिया अपॉन स्टैंडर्ड एरिया। तो स्टैंडर्ड एरिया हमारा क्या होता है, हमारी जो मार्केट में सीट होती है जीआई की, उसका साइज जो होता है वो स्टैंडर्ड 8:4 होता है। तो वो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है। डक्ट शेप है कि ये मेरा डक्ट किस शेप का है, जैसे कि ये सर्कुलर डक्ट है, ये रेक्टेंगुलर डक्ट है एंड तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसकी विड्थ को इंक्रीज किया और हाइट को डिक्रीज किया तो है। मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि ये एरिया है इंच में और ये पैरामीटर है फिट में, ये फ्रैक्शन है, ये लेंथ है, ये डेप्लॉयमेंट एरिया है, यानी नंबर ऑफ सीट है एंड ये एस्पेक्ट रेशियो है। तो मैं बात करता हूँ सर्कुलर डक्ट की। जैसे सर्कुलर डक्ट जो है, इसका जो डायामीटर है वो, उसका जो डक्ट साइज है वो 14.6 है। तो अब मुझे फाइंड करना है कि इस डक्ट में मेरा फ्रैक्शन लॉस कितना होगा। तो जैसे कि मैंने 10,000 एंड 1,000 CFM और FPM पे डिज़ाइन किया है, तो 14.6 इसका जो है डायमीटर आया, यानी कि डक्ट साइज आया है जो सर्कुलर डक्ट है। तो इसका मैंने एरिया निकाला है 12,094 एंड इसका जो पैरामीटर है 10.6 है और इसका फ्रैक्शन है 0.036 एंड इसकी लेंथ है 10 फीट डक्ट की। तो इसका डेप्लॉयमेंट एरिया क्या हो जाएगा, तो डक्ट पैरामीटर इंटू लेंथ, ये 106 क्या आया है, ये जो डेप्लॉयमेंट एरिया है, ये ये डायमेंशन फिट में है। स्टैंडर्ड साइज क्या है हमारा, 32 है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि 106 है, 8:4 है स्टैंडर्ड डक्ट साइज, तो मुझे नंबर ऑफ सीट निकालना है, तो डेप्लॉयमेंट एरिया पर स्टैंडर्ड एरिया। तो जैसे कि मेरी सीट आ जाएगी तो 106 3.31, तो मेरी सीट कितनी लगेगी, 3.31 और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है 1:1 है। तो अब आपको जानना है कि ये एरिया किस तरह आया है, तो मैं आपको एरिया बता देता हूँ। जैसे कि ये है, अब मैं रेक्टेंगुलर डक्ट की बात करूँ तो इसका एरिया इतना है 12,96 एंड 12 फिट एंड 0.046 10 फिट इसकी हाइट है, तो 120/32। तो मेरा जो पैरामीटर है, पैरामीटर और इंटू लेंथ को मैं डिवाइड करूँगा, 120 आएगा और इसका जो डक्ट साइज है मेरा
मतलब स्टैंडर्ड साइज जो है सीट का वो 32 है, तो इसमें क्या आएगा 3.75 मेरी सीट लगेगी। और फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.042, यानी कि यहाँ पर जो है फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 1:1 ही रहेगा, बट क्या है फ्रैक्शन इसमें क्या है फ्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे कम फ्रैक्शन लॉस जो होता है वो राउंड डक में होता है। और अब यहाँ पर इस पर एज आते हैं, ये एज है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रैक्शन लॉस होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। एंड अब जैसे ही अब इसकी बात करता हूँ, जैसे कि 54 है एंड 24 है, एंड ये 12.96 है इसका एरिया, एंड 13 इसका पैरामीटर 13 फिट है। एंड फ्रैक्शन यहाँ पर, जैसे फ्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, पहले 0.4 था, अब यहाँ पर 0.47 हो गया है, एंड 10 फिट इसकी लेंथ है, तो डेवलपमेंट एरिया कितना है 130 बाई 32 इसका स्टैंडर्ड एरिया है, तो इसका नंबर ऑफ सीट कितनी होगी 4.06, यानी कि इसकी नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गई है, एंड एस्पेक्ट रेशियो इसका इंक्रीज हो गया है। मतलब कैसे हुआ कि जैसे कि अब एक यहाँ पर एक वूमेन है, तो वो सीधा जा रहा है, उसके लिए क्लियर रास्ता है जाने के लिए, लेकिन जब वो इस रास्ते जाएगा तो थोड़ा टिल्ट हो के जाएगा, यानी कि यहाँ पर एज आ गया है एज, और यहाँ पर जो है इसकी हाइट कम हो गई है, तो थोड़ा झुक के जाएगा, तो वहाँ पर उसका फ्रैक्शन लॉस होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है इसका फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो गया, और सीट भी हमारी यहाँ पर क्या है इंक्रीज़ हो चुकी है। अब ऐसे ही ये है, यहाँ पर मैंने अपनी अपनी जो है डक्ट की हाइट को डिक्रीज़ कर दिया है एंड विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया है, तो यहाँ पर इसका एरिया तो सेम ही रहेगा, बट क्या है इसका पैरामीटर इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, डक्ट की हाइट सेम रहेगी, एंड इसका नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड इसका एस्पेक्ट रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी हाइट को डिक्रीज़ कर दिया है और विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसका जो 12.96 एरिया रहेगा और 20 फिट इसका पैरामीटर रहेगा, और इसका जो है फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, लेंथ 10 फिट रहेगी, एंड इसका जो 20/32 तो 6.25, एंड इसका 9:1 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, तो यहाँ पर हमारी सीट भी इंक्रीज़ हो गई है एंड फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो मैं प्रूफ करता हूँ कि ये जो एरिया है किस तरह आया है और हमारी सीट किस तरह इंक्रीज़ हुई है। तो मैं आपको पहले एरिया का बता देता हूँ कि मैंने ये एरिया किस तरह निकाला है, कि सर्कुलर डक्ट का एरिया कैसा आया है, और ये पेरीमीटर कैसे निकाला है, फ्रैक्शन तो मैंने डक्ट साइज से कैलकुलेट किया, लेंथ मेरी डट की लेंथ जो 10 फिट है, एंड यो एरिया मैंने आपको बताया डेवलपमेंट एरिया जो होता है पैरामीटर इनटू लेंथ, तो ये हमारा डेवलपमेंट एरिया आ जाता है यहाँ पर, और नंबर ऑफ सीट डेवलपमेंट एरिया पर स्टैंडर्ड एरिया सीट का जो होता है वो ये होता है। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, जैसे कि ये सर्कुलर डक्ट है, डक्ट सेफ है, तो कल मुझे इसका एरिया निकालना है, तो सर्कुलर डक्ट का एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई बाई 4t². तो जैसे कि ये ए है और पाई की वैल्यू में मैंने यहाँ पर एंटर करी है, और टी की डायमीटर के एंटर यहाँ पर किए है, तो इसका एरिया डायरेक्ट आ गया है 12.94। तो अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो सर्कुलर डक्ट का पेरीमीटर होता है पाई टी, तो जैसे मैंने पाई की वैल्यू एंटर करी है, और टी मेरा जो है ऑलरेडी है 14.6, तो यहाँ पर जो है 1.274 इंच में आ गया। अब मुझे ऐसे क्या है फिट में कन्वर्ट करना है, तो 1.274 × 12, तो 10.6 ये क्या हो गया फिट में इसका पेरीमीटर आ चुका है। तो अब बात करता हूँ मैं रेक्टेंगल डक्ट की, जैसे 36/36 का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 12.96, क्योंकि इसका जो एरिया होता है विड्थ इंटू हाइट होता है, तो ये मैंने कर दिया है, उसका पेरीमीटर होता है 2 width + height। अब जैसे कि ये 36/36 है, तो मैंने यहाँ पर इसका 1.144 इसका जो है फिट में आया है, मतलब इसमें इंच में आया है, तो मैंने फिट में कन्वर्ट कर दो, 12 फिट ये आ चुका है। तो ऐसे ही मैं सारे डक्ट का जो है पैरामीटर निकाल दूंगा, एरिया निकाल दूंगा। तो जैसे कि ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मतलब जैसे कि ये एरिया है और ये पैरामीटर है, तो 12 फिट जो है ये 12 फिट मैंने इसे फिट में कन्वर्ट किया, जब ये 12 आया, ऐसे 13 फिट 15 20 फिट, तो आप इसी तरह इसका जो है एरिया निकाल सकते हो। तो बस मेन बात यही है कि अगर हम एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या क्या होगा, यानी कि हमारा फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी डक्ट में क्या है नॉइस आएगी, और हमारे ब्लोअर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी हमें। अगर ब्लोअर की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तो हमारा पावर कंजक्शन भी हमें ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर क्या होगा हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी,
और फिर क्या होगा, हमारी नंबर ऑफ सीट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट का है नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 4:1 होना चाहिए, मतलब इससे अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा हाइट का जो रिट्रैक्शन, हाइट का जो प्रतिमन होता है उसके कारण हमें जो है अपने डक्ट की जो है विड्थ को इंक्रीज करना पड़ता है और हाइट को डिक्रीज करना पड़ता है। बट इसका हम जब भी डक्ट डिज़ाइन करेंगे तो वो 4:1 के रेशियो में होना चाहिए, तो जो होता है बेस्ट होता है, उसमें फ्रिक्शन लॉस भी कम होता है और हमारी सीट भी कम लगती है।